हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इधर सुनो, आजा 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 आजा। तो गाइस आज आज ठंडा नहीं लग रहा तुमको? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी हो? आप लोग अच्छे होंगे। पता है रात में मंगलसूत्र खोल देते, सुबह में अभी पहने, गला खाली ना अच्छा नहीं लगता फिर। तो गाइज आज दिन है संडे, तो अभी तक मैं नहीं नहाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है और आज मुझे हेयर वॉश करना है, इस वजह से भी नहीं नहाई हूँ। और सुबह के 5 बजे से मेरा बाबू मेरे को जगा के रखा है। अच्छा, चाय नहीं पी रहा है आपको? हाँ, अभी जागे हुए थे, एक्टिंग कर रहा है। और आज ना सौम्या चाय बनाई है सुबह सुबह का, आज ना संडे का दिन ना सौम्या चाय बनाई है। वहां देखिए उसको उसको देखिए अपना नाइटी पहना। चाय पीने लो चाय। तो आज सोम्य चाय बनाई है। पानी है ना? बस सोम्य कितना अच्छा चाय बनाए, मेरी तरह चाय वहां रखिए, मेरी तरह चाय बनाए। ऐगो ये चाय कले बना दिए थे, कैसा चाय बनाया थे। सौम्या बिल्कुल मेरी तरह चाय बनाई है। तो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बोल दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छा संडे, इसीलिए अब हम लोग आज 4 बजे से उठे हुए हैं। सही में आज संडे का दिन नहीं, ये बच्चा सोने नहीं दिया ठीक से। आज संडे था इसीलिए ये बच्चा 4 बजे नहीं 5 बज रहा था। 5 बजे से एकदम अंधेरा था, एकदम कोहरा लगा हुआ है बाहर, इतनी ठंड है, कंबल से गाइस निकलने का मन नहीं कर रहा था एकदम से। फिर सौम्या उठी है, गई है चाय बना के लेके आई है, चाय पीते हैं उसके बाद काम वाम जो है। और अभी काम वाम करेंगे, घर का कपड़ा का कुछ सेटिंग करना है, वो सारी चीजें करेंगे, घर का कुछ काम करेंगे, उसके बाद ना आएंगे। क्योंकि ना बापरे मत मत खोलिए बाबू खिड़की। सौम्या खिड़की खोल रही है, नहीं खोलिए सौम्या प्लीज। बापरे कुछ दिख नहीं रहा गाइस, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो चलिए चाय पीते हैं, फिर काम में लगते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इधर सुनो, आजा 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 आजा। तो गाइस आज ठंडा नहीं लग रहा तुमको? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी हो? आप लोग अच्छे होंगे। पता है रात में मंगलसूत्र खोल देते, सुबह में भी पहने, गला खाली ना अच्छा नहीं लगता फिर। तो गाइस आज दिन है संडे, तो अभी तक मैं नहीं नहाई हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है और आज मुझे हेयर वॉश करना है, इस वजह से भी नहीं नहाई हूँ। और सुबह के 5 बजे से मेरा बाबू मेरे को जगा के रखा है। अच्छा, चाय नहीं पी रहा है आपको? हाँ, अभी जागे हुए थे, एक्टिंग कर रहा है। और आज ना सौम्या चाय बनाई है सुबह सुबह का, आज ना संडे का दिन ना सौम्या चाय बनाई है। वहां देखिए उसको उसको देखिए अपना नाइटी पहना। चाय पीने लो चाय। तो आज सौम्या चाय बनाई है। पानी है ना? बस सौम्या कितना अच्छा चाय बनाए, मेरी तरह चाय वहां रखिए, मेरी तरह चाय बनाए। ऐगो ये चाय कले बना दिए थे, कैसा चाय बनाया थे। सौम्या बिल्कुल मेरी तरह चाय बनाई है। तो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बोल दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छा संडे, इसीलिए अब हम लोग आज 4 बजे से उठे हुए हैं। सही में आज संडे का दिन नहीं, ये बच्चा सोने नहीं दिया ठीक से। आज संडे था इसीलिए ये बच्चा 4 बजे नहीं 5 बज रहा था। 5 बजे से एकदम अंधेरा था, एकदम कोहरा लगा हुआ है बाहर, इतनी ठंड है, कंबल से गाइस निकलने का मन नहीं कर रहा था एकदम से। फिर सौम्या उठी है, गई है चाय बना के लेके आई है, चाय पीते हैं उसके बाद काम वाम जो है। और अभी काम वाम करेंगे, घर का कपड़ा का कुछ सेटिंग करना है, वो सारी चीजें करेंगे, घर का कुछ काम करेंगे, उसके बाद ना आएंगे। क्योंकि ना बापरे मत मत खोलिए बाबू खिड़की। सौम्या खिड़की खोल रही है,
नहीं खोलिए सौम्या प्लीज, बाप रे कुछ दिख नहीं रहा गाइस, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो चलिए चाय पीते हैं, फिर काम में लगते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी, होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सोची कि चलो आप लोगों के साथ में कुछ शेयर कर देती हूँ, बिकॉज मैंने कुछ शॉपिंग किया है। अभी आपको पता ही शादी का सीजन चल रहा है, तो उसके लिए मैंने भी कुछ शॉपिंग किया है, कुछ साड़ी मैंने लिया है, कुछ ज्वेलरी भी लिया है, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, आपको पता ही है कि मैं हमेशा अमेजोन से ही लेती हूँ, अमेजोन में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सेल चलते रहता है, तो आप लोग भी अमेजोन से परचेस कर सकते हो। एंड जो भी मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी उन सब के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ये ज्वेलरी। मैंने शॉर्ट्स में आप लोग के साथ ना सारी चीज़ें मैंने शेयर किया था, तो सबसे पहले मैं अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ, उसके बाद ही कुछ और दिखाऊंगी। तो ये इयररिंग से, तो ये मेरी बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी है, जो कि ऐसे कृष्ण जी का ऐसे बना हुआ है हाथ, और ये बांसुरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एक अलग लुक आता है ये पहनने के बाद। मैंने इसको वेयर करके रील्स भी बनाए हैं, सो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सा ये वाला है, इसके साथ आपको इस तरीके से मोर के पंख का इस तरीके से झुमकी मिल जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये प्यारी सी बहुत ही सुंदर सा नेकलेस, जो कि अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये वाला। तो अगर आपके लिए घर में कोई भी वेडिंग है तो उसके पर्पज़ से आप इसको ले सकते हो, और ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। मेरे को ये बहुत प्यारा लगा तो मैं इसको ली हूँ, कुछ इस तरीके का है। तो अगर आपके घर में शादी वादी का सीजन चल रहा है तो आप इस टाइप की ज़रूर लेना, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कलर है, तो आप अपना मैच करके ले सकते हो। थर्ड ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकेंड, ये बहुत ही सुंदर सी ज्वेलरी है। मैं ऐसा ना बहुत टाइम से मन था इसका थोड़ा सा हेवी टाइप का कुछ लिया जाए। ये देखिए कितना सुंदर है ये गाइस, एक मिनट, इसको आप साड़ी पे वेयर कर सकते हो, आप इसको जैसे बॉर्डर वाला सूट होता है उसके साथ भी आप वेयर कर सकते हो। ये थोड़ा सा मतलब ये तो हेवी नहीं है, इसके मोती हेवी नहीं है, बट इसका जो पेंडेंट है ना थोड़ा सा हेवी है, उसकी वजह से ना इसका कुछ अलग ही लुक आ रहा है। आप पहनोगे इसका तो बहुत अलग लुक आने वाला है। इसके साथ आपको दो इयररिंग्स मिलते हैं राउंड टाइप के, जैसे कि इसका पेंडेंट है ना इसी टाइप का, राउंड टाइप का देखो ऐसा मिलेगा। तो दोनों इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ये, ऐसे तो मैंने ऑक्सीजन ज्वेलरी आपने देखा, ये बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास, तो मैं इस टाइप की ज्वेलरी ना लेती रहती हूँ। ये इस टाइप की ज्वेलरी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना बहुत ही सुंदर सा लगता है इस टाइप की ज्वेलरी। क्योंकि हालांकि मैं गोल्ड का मंगलसूत्र पहनती हूँ, मेरे पास वो गोल्ड का बहुत सारा मंगलसूत्र, आप लोगों को पता ही है, दिखाई है अपने ब्लॉग्स में बैक टू बैक, ये भी मेरा गोल्ड का ही मंगलसूत्र है जो भी मैं फिलहाल कंटिन्यू पहन रही हूँ, लेकिन बहुत सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी होना चाहिए आप पास में। मुझे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पसंद है, मुझे गोल्ड उतना पसंद नहीं है, मुझे आर्टिफिशियल बहुत पसंद है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वाला, एंड इसके साथ आपको दो इयररिंग्स भी मिलते हैं, जो कि बहुत सुंदर सुंदर से इयररिंग्स हैं। उसके बाद मैंने लिया है एक ब्यूटीफुल सी साड़ी, जो कि आप वेडिंग टाइप की साड़ी है, आप इसको ले सकते हो, और इसका मैंने ब्लाउज स्टिच करवाने के लिए भेजा है ना, इस वजह से साड़ी थोड़ा अस्त एंड व्यस्त है। दिखाती हूँ, ये देखो कितनी प्यारी साड़ी है यार, सच में गाइस देख सकते हो आप कितनी प्यारी साड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है। इसमें साड़ी में पूरा का पूरा यही पैटर्न आपको मिलने वाला है, साथ ही में इसके बॉर्डर कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, और इसका जो ब्लाउज है ना वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैंने स्टिच कराने के लिए भेजा है। तो जब मैं, और ये देखिए ये दिखाती हूँ, ये देखिए इसको मतलब जो इसका आंचल है इतना सुंदर लगेगा ना पहनने के बाद, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगने वाला है। सो इस पर मैं रील्स भी बनाऊंगी,
तो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है। सो ये मेरा छोटा सा कलेक्शन था जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इसमें कुछ भी आपको पसंद है ना तो आप लिंक पे जाओ, क्लिक करो और आप वो परचेस कर लो। तब तक आगे आप लोग एंजॉय कीजिए। अभी मैं सीधे किचन में आ गई हूँ और अभी लग गई हूँ अपने घर के काम करने में। कल रात में ना जैसे फेनेल होता है ना, उससे मैंने पूरे किचन को क्लीन की थी, इसीलिए ये सारी चीज़ मैं स्लैब से हटा के ऊपर में रखती थी कि अच्छे से सूख जाएगा, क्योंकि चींटी लग जाता है तो बहुत बार, इसीलिए चींटी लगने से पहले मैं ये सारी चीज़ें को ठीक कर लेती हूँ। और यहाँ पे अभी सौम्या तो चाय बना दी थी, लेकिन मैं सोची चलो थोड़ा सा कॉफ़ी पीते हैं। और संडे का दिन ना इतना ज़्यादा लेज़ी लेज़ी सा लगता है ना, मन ही नहीं करता कि कोई भी काम करो संडे के दिन, मन ही नहीं करता। तो अभी और लेकिन बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं, मतलब सोने नहीं देते। छोटा वाला बाबू तो इतने सुबह से जगा हुआ है ना, बहुत परेशान कर रहा था मेरे को, फिर सो गया था फिर उठ गया था, यही काम है उसका। तो अभी मैं पहले बच्चों को हॉर्लिक्स बना के दे देती हूँ। तो दूध मैंने गर्म कर लिया है और हॉर्लिक्स उसी में डाल के दोनों बच्चों को दे दूंगी। सुबह सुबह दे देती हूँ ना दोनों बच्चों को, तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ कि चलो थोड़ा नाश्ते में लेट सेट भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह उठते ही ना बच्चों को कुछ ना कुछ ब्रश करवा के कुछ ना कुछ जरूर खिला देना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम बच्चे कितने बजे डिनर करे किए उतना समय लग जाता है। तो इसी वजह से मैं सुबह में क्या करती हूँ ना, मैं सुबह उठते ही बच्चों को कहती ब्रश करके भाई हॉर्लिक्स बिस्किट हॉर्लिक्स ब्रेड जो भी बनो आप लोगों का खा लो। उसके बाद क्या होता है, नाश्ता थोड़ा लेट से भी मैं इन लोगों को देती हूँ ना, तो फिर मेरे को वो टेंशन नहीं रहता कि चलो बच्चों को भूख लगाओ, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना कि उनको कितनी भी भूख लगाओ ना बच्चे बोल नहीं सकते। खास करके मॉर्निंग के टाइम पर तो बच्चे खाने का नाम भी नहीं लेते हैं, तो इससे अच्छा है कि बच्चे खाने का नाम ना ले उससे पहले आप बच्चों को खिला दें कि बच्चे को भूख लगे ही ना और वो आराम से तसल्ली से खेलते कूदते रहे अपना। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फिर से अपना कॉफ़ी बनाने के लिए। तो एक बात आप लोग कहोगे कि मैं ना बीच बीच में पता नहीं क्यों मेरे ब्लॉग्स गैप हो जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे डेली लाइफ की रूटीन है मैं आप लोगों के साथ गैप करूँ, नहीं चाहती मैं, बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन हो जा रहा है क्योंकि ना मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड मैं वीकनेस मेरे को ना बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मुझे ना डॉक्टर के पास फिर से जाना है, लेकिन वही सारी चीज़ें हैं कि मतलब होता नहीं है कि आप फैमिली से चेक उससे नहीं जा पाते हो। और अभी हस्बैंड को देख सकते हैं इनके, तो उठते ही ना पूरा का पूरा एक्टिंग शुरू हो जाता है, मैं जो भी बोलती हूँ डबल डिवाइनिंग मुझे ही बोल देते हैं। सो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अगर फॉलो नहीं किए हैं तो अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को आप लोग फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अंतरा सिंह ऑफिशियल से। अच्छा, मैं कॉफ़ी ना इसी तरीके से बनाती हूँ, जैसे दूध को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया, इसमें इलायची डाल दी हूँ। अच्छे से दूध को बॉईल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉफ़ी डाल दी हूँ। कॉफ़ी डालने के बाद मैं इसको ना अच्छे से एक दो उबाल लाती हूँ, उसके बाद मैं कॉफ़ी मग में डाल देती हूँ, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ना कॉफ़ी डाल देती हूँ। ये ना कॉफ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। बहुत लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। मेरी जो पहले मैं घर में रहती थी ना, वहाँ पे बगल में ना आकांक्षा रहती थी, बहुत बार आप लोग ने किसी न किसी चीज़ में देखा ही होगा उनको मेरे हाथ का कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इस नए घर में वो नहीं आई है, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ कि कब वो आएंगी मेरे हाथ का कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि उनको मेरे हाथ का कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी मैं कॉफ़ी बनाती हूँ ना, मेरे को आकांक्षा की याद आ जाती है कि मतलब वो कब आएंगी। हालांकि वो फ्राइडे के दिन उनका छुट्टी रहता, देखते हैं इस फ्राइडे को आएंगी शायद वो। सो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी जो है डाल दिया है, तो हमारा गर्मा गर्म कॉफ़ी जो है वो तैयार है। उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि भाई संडे हो या मंडे पतिदेव को ऑफिस तो जाना है। तो यहाँ पे मैं लहसुन टमाटर और धनिया पत्ता की चटनी पीसने के लिए, लहसुन को मैं पकाने के लिए रख दी हूँ और टमाटर को इस तरीके से मैं पका रही हूँ। उसके बाद मैं आपको धनिया पत्ता दिखाती हूँ, एक सेकेंड। किस किस को ठंड के मौसम में ना धनिया पत्ता का चटनी हो गया, साग हो गया, कितना टेस्टी लगता है ना ये सारा खाना। अभी तो वो जो बथुए का साग होता है ना, बहुत लोग के तो मैंने देखा बथुए का साग खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी हमारे मार्केट में बथुए का साग आया है कि नहीं आया, मुझे पता नहीं। मुझे ना बथुए का साग का पराठा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं आलू परवल की सब्जी बना रही हूँ, रोटी धनिया पत्ता की चटनी यही पतिदेव के टिफिन में भी दे दूँगी।
बहुत लोग बोलते हैं मेरे को कि आपके हस्बैंड संडे के दिन ऑफिस क्यों जाते हैं, तो देखिए वो मेरे को नहीं पता क्यों जाते हैं, बट काम होता है डिपार्टमेंट में इसीलिए जाते हैं। बैठने के लिए तो ऑब्वियसली ऑफिस में टाइम पास करने के लिए तो कोई नहीं जाएगा ना, है ना, काम करने के लिए तो जाएगा ना। उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में कपड़े उपड़े निकालने के लिए। तो कुछ कपड़े ठंड के मैंने निकाले थे, बच्चों के भी देख सकते हैं ठंड के कपड़े या जैकेट्स, ये सारी चीज़ें हैं, तो सबको मैनेज करके मैं सोची कि चलो रख देती हूँ। तो वही सारी चीज़ें भी मैं मैनेज करने लगी थी। और अभी ठंड आ गया ना, तो अभी ये ही ठंड है ना जो बच्चों को लगता है, क्योंकि बच्चे हों चाहे बड़े हों या फिर जो भी जो काफ़ी एजेड होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको ना यही ठंड लगता है। क्योंकि ना ये जो ठंड होता है ना, ये शुरुआती ठंड और जो लास्ट वाला ठंड होता है वही, उसी में थोड़ा सा ना बच्चों को भी आप बचा के रखो। अभी के टाइम पर क्या आपके बच्चे का रात के टाइम पर ना वो ना करे, मतलब स्वेटर ना पहने, तो कंबल के तर में बच्चे को रख रहे हैं, लेकिन बच्चे आपके जैसे ही उठे ना तुरंत उनको सॉक्स पहना दीजिए, ठंडे का कपड़ा पहना दीजिए, कि मतलब थोड़ा गर्म रहे बच्चा। ऐसे छोटे बच्चों का ना ध्यान आपको ऐसे ही रखना पड़ता है। साथ में आपके घर में अगर कोई बड़े हैं तो उनका भी प्रॉपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना उनको भी ठंड के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हालाँकि गर्मी में उतना टेंशन नहीं होता, बट ठंड में टेंशन होता है। घर के बच्चों को पे केयर करना, घर के बुजुर्गों पे केयर करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए आप भी अपने घर के फैमिली के बच्चों को, अपने आपके घर में अगर कोई बहुत ज़्यादा एजेड है तो उनका ध्यान आप रखिए। सो यहाँ पे मैं वही ठंडी के कपड़े निकाली थी, और कुछ ऐसे कपड़े थे जो एक्स्ट्रा थे, तो मैं उनको सारे कपड़े को साइड कर रही थी। भाई काम की कमी नहीं होती है लाइफ में, आप ना काम करते करते ना, मैं पता है मैंने काम करते करते रुक जाती हूँ कि नहीं मेरे को आज ये काम नहीं करना है, अब मैं थक चुकी हूँ, नहीं तो काम करते करते मेरा शिफ्टिंग में ना, मतलब जब से मैं घर इस घर में शिफ्ट की हूँ ना, तब से मैं अपना घर के सामान ही ठीक कर रही हूँ। मैं पहले सोच रही थी यार कितना टाइम लगेगा मेरे को काम करने में, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगता है, मैं चीज़ें जल्दी जल्दी अरेंज कर लूँगी, बट नहीं, मैं गलत थी। बहुत समय लग रहा है मुझे सारी चीज़ों को अरेंज करने में, सारी चीज़ों को ठीक करने में बहुत समय लग रहा है। और इसीलिए मैं अभी इस घर में ना कुछ नया भी नहीं ले रही हूँ। नया क्यों नहीं ले रही हूँ उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, तो वो मैं आप लोगों के साथ समय आने पे सब कुछ बताऊँगी। क्योंकि देखिए समय आता है ना तभी हम कोई चीज़ शेयर करें तो अच्छा लगता है। कुछ ऐसी बातें जो समय आने पे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं जितने भी कपड़े थे सबको मैं इसमें डाल देती हूँ छोटे वाले बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत ईजिली ओपन भी हो जाता है। तो ठंड के कुछ यूज़ के कपड़े मैं बाहर रखूँगी और कुछ कपड़े जो है मैं इस पर डाल दूँगी। इसके बाद बच्चों को मैं फ्रेश करवाई, नहलाई, और अभी छोटे वाले बाबू को, बड़े वाले बाबू को तो नहला के तैयार कर दी हूँ, छोटे वाले बाबू को भी नहला के तैयार कर दिया है। और आज दोनों बच्चों को ना मैंने सेम नाइट ड्रेस पहनाया है, दोनों को सेम नाइट ड्रेस पहनाया है। और यहाँ देखिए ये बच्चा तो मेरा इतना परेशान रहता है ना, मतलब खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। इसके पास ना क्वालिटी है कि ये ना आपको भी परेशान करेगा और ये खुद भी परेशान रहता है, इसका ऐसा है। तो मैंने इसको तैयार कर दिया है और इसकी स्माइल देख सकते हो गाइस, ये ना बड़ा बदमाश बच्चा हो गया है। निशांक ना मेरा बड़ा शांत टाइप का था, लेकिन ये ना बहुत खतरनाक वाला जो बच्चा नहीं कहते वो है। इसके मासूम से चेहरे पर मत जाइएगा, ये जितना मासूम है ना बदमाशी भी इसका उतना ही हद तक है। मैं तो सोचती ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो इसकी बदमाशी किस लेवल तक रहेगा ना, मतलब मुझे समझ में भी नहीं आता है। सो बस मैंने इसको भी सारी चीज़ें करा दी, और आज ने मैंने दोनों बच्चों को अपने सेम नाइट ड्रेस पहनाया, सब देख सकते हैं। और ये ठंड के टाइम का ही ना है तो मैंने दोनों को पहना दिया, दोनों बड़े बड़े क्यूट लग रहे थे, स्माइल कर रहे थे, दोनों को मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक किए हैं, मैं बहुत जल्दी कम्युनिटी पे शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। उसके बाद मैं आ गई थी इस एरिया को ठीक करने के लिए, और गाइस ठीक करते करते ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और बहुत सारे बेडशीट थे जो मैंने बेडरूम में रखा है, अभी उनको फोल्ड करूँगी। पहले तो नहा लूँगी क्योंकि बहुत लेट हो रहा है मेरा, और सुबह सुबह उठते ही मेरा नहाने का आदत है कि आगे पूजा पाठ करने का, लेकिन आज ना बिल्कुल मन नहीं करना था क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था ना, इस वजह से। सो चलिए इसको भी मैं अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम फ्रंट पे पड़ता है ना तो चीज़ें अगर बिखरी रहती है ना तो बहुत अजीब सा लगता है। इसीलिए इसके पास मैंने एक बास्केट रखा है कि कोई भी छोटी बहुत सी चीज़ें मैं इसमें अरेंज करके रख देती हूँ। साथ में मेरा लैपटॉप, मेरे पास इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं अपने लैपटॉप को ऑन कर पाऊँ, तो आजकल मैं अपने लैपटॉप से एडिटिंग भी नहीं कर रही हूँ, मैं अपने फ़ोन से एडिटिंग करती हूँ। सो चलिए गाइस आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कैसे हो प्लीज़ यार कमेंट किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, तो बहुत अच्छा भी लगता है आप लोग का रिप्लाई करने में।
और इसी के साथ अपने ब्लॉग्स को एंड करती हूँ और आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आओगा एनी रीज़न तो चैनल पे नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर। और यहाँ पर रंजना हमारी आ चुकी है तो रंजना जा रही है बर्तन धोने के लिए, तब तक मैंने अपना सारा काम जो है वो निपटा लिया है। तो रंजना ना एक टाइम आती है, मैंने बहुत बार बताया, फिर से बता रही हूँ, तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ नहीं हुआ कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू so much for watching the video guys, love you, take care।